हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत। इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो एसएससी सीजीएल का जो है फाइनल यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं 17 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 8 अक्टूबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक हो गया तो 12 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं अक्टूबर में, और दिसंबर में इसका जो है पहला एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे, टेंटेटिवली यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी जो है पोस्ट का जानकारी दी गई है कि किस पोस्ट पे जो है यहाँ पे निकला है वैकेंसी, और इसका एज लिमिट क्या है। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी टाइप के वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये सारी वैकेंसी जो है फ्रेंड्स आपको ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होती है, और ये वैकेंसी हर साल आती है, और आपको सैलरी भी यहाँ पे बताई गई है कि किस पोस्ट पे जो है क्या सैलरी आपको देखने को मिलेगा। अब आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे, और जनरल ओबीसी से आएंगे तो आपको 100 रुपया अप्लीकेशन फी देना होगा। वही अगर आप एससी एसटी विकलांग या फीमेल ऑल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है कोई भी अप्लीकेशन फी नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, अगर आप एसएससी सीजीएल का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो अन अकाडमिक द्वारा जो है 15 सितंबर को एक बैच लॉन्च किया गया है, संकल्प बैच। एसएससी सीजीएल 2022-23 एग्जाम के लिए स्पेशल ये बैच है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है ये बैच आपको कंडक्ट करे जा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बेस्ट बैच है, अच्छी प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। और अभी जो है आपके लिए बेस्ट ऑफर जो है निकल के आ रहा है। ये ऑफर जो है एक समय पीरियड के लिए है, अभी जो है ये ऑफर आप जो है 20% का ले सकते हैं। अगर देखिए ये ऑफर मिलेगा तो आपको कूपन कोड यूज करना है दिलीप के 10, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो 10% तक का जो है आपको डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑफर जो है शायद एक्सटेंड भी होने वाला है, क्योंकि ये ऑफर 16 सितंबर तक था, लेकिन मे भी हो सकता है कहीं एक्सटेंड ये लोग करें। तो आपको कूपन कोड जो यूज करना है वो दिलीप के 10 यूज करना है, आपको 20% का जो है स्पेशल डिस्काउंट आपको अन अकेडमी एसएससी सीजीएल पर देखने को मिलेगा। बाकी सभी बैचेस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं सेम इसी ऑफर पे, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट करेंगे। चलिए जानते कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है, और अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए स्टेप्स खुल जाते हैं फॉर्म भरने का, और आप जो है अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास एक ऑलरेडी जो है आईडी पासवर्ड बना हुआ है, भले आप एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी जीडी का, या पिछले साल एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल किए थे, तो आप उसी यूजर नेम और उसी पासवर्ड से लॉगिन करके जो है आप फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड भूल चुके हैं तो उस केस में आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना यहाँ पे सबसे पहले राज्य का नाम चूज करेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे या मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई आपके पास एक तो होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिख के सबमिट करेंगे तो आपका जो है ओटीपी जाएगा उस ईमेल या मोबाइल पे। उसको बाद से दोनों में से कोई भी ओटीपी आप यहां पे दे देते हैं इनको, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है और बोलता है कि पासवर्ड आप जो है एक बना लीजिए, तो पासवर्ड आप बना लेंगे तुरंत, वहीं पे आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम एक जो है यूजर और पासवर्ड लिख के यहाँ पे लॉग इन करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे लॉग इन करते हैं, यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको शो हो जाता है, यहाँ से आप अपना हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं कि आपने अभी तक कितना फॉर्म भरा है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो देखिए यहाँ पे मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, आप जो है रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं अप्लाई वाले पे बटन पे क्लिक। अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी इंपोर्टेंट डेट्स को देख सकते हैं। चलिए अप्लाई वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आगे प्रोसेस होगा, और अभी तक आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दिया था वो सारी जानकारी यहाँ पे खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अब क्या करना है, 15 नंबर पे आ जाना है, ऊपर जो है आपने ऑलरेडी सब चीज भरा हुआ होगा। यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर की चॉइस करनी है कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ प्रेफर करना चाहते हैं, तो 3 एग्जाम सेंटर आपको अपना देना है, जहां भी आपको नियरेस्ट लगे आप 3 प्रेफर कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप जो है एक्स सर्विस मैन है आर्म फोर्स में, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप जो है ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं, ये जो है डी हाईलाइटेड है, देख रहे हैं यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे ये भी नहीं काम कर रहा है, ये सब जो है डिसेबल है। आपको डायरेक्टली आ जाना है यहाँ पे कि इफ स्क्राइब इज टू बी अरेंज बाई एसएससी देन इंडिकेट मीडियम,
तो ये भी देख रहे हैं, ये सब जो है डी हाईलाइट है, ये विकलांग वालों के लिए है, ये सब ऑप्शन डी हाईलाइट है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बोला जा रहा है 18.1 में कि क्या आप जो है जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर के पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। यहाँ पे जो है इसमें कुछ अलग क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, जैसे हम आपको दिखाए तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे बोला गया है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए या असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए क्या बोला गया है, जो अकाउंटेंट वगैरह किए हैं वो जा सकते हैं। हालांकि वैकेंसी सीजीएल है, मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, बट यहाँ पे बोला जाता है कि आप एनी ग्रेजुएट मतलब जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें जो है स्पेशल सब्जेक्ट वाइज जो है क्वालिफिकेशन रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इन पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको बैचलर डिग्री बोला गया किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन डिजरेबल क्वालिफिकेशन बोला गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझ में आ गया। उसी तरह से जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर पे वही लोग आवेदन कर सकता है जो लोग बैचलर डिग्री जो है किसी भी विषय में पढ़ाई किया हुआ है, या में बोला गया है इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो आप यहाँ पे समझ गए कि क्यों यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टेटिकल लेवल मतलब स्टेटिकल पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो सभी जानकारी को आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये अगर आप स्टेटिकल यहाँ पे चूज करते तो इसमें पूछा जाता है कि आप EQ पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन जो है खुल के आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको एज रिलेशनशिप चाहिए, एज में छूट चाहिए। मान लीजिए आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है, तो उसमें आपको चाहिए छूट, तो आप यहाँ पे यस करके और अपना जो बताएंगे किस कैटेगरी से आते हैं। तो SC ST और विकलांग को और OBC को छूट मिलता है, उन बाकी किसी को यहाँ पे छूट नहीं मिलता है। तो उम्र ज्यादा हो चुका है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन या पोस्ट, तो आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए सभी विषय का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए बीएड है, बीएससी है, बीएससी ऑनर्स है, बीकॉम है, एमए है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बीटेक, जो भी आपने किया हुआ है आप उसको चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब जो आपका डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है कि इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे ग्रेजुएशन, आप चूज करेंगे अगर आपने जो है बीए बीएससी बीकॉम वगैरह किया है, या इसके उपलक्ष्य में ग्रेजुएशन वाली ही उपाधि कोई दूसरा डिग्री आपने किया है तो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन आप चूज करेंगे, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको बताना है ग्रेजुएशन की जानकारी कि आप पास हो चुके हैं या अपियरिंग है, ये चीज यहाँ पे आपको बतानी है। पास है तो पास चूज करेंगे और पासिंग यहाँ बताएंगे कि कब आपने जो है पास किए हुए हैं। फिर आपको यूनिवर्सिटी बताना है कि वो जो है कौन से राज्य में यूनिवर्सिटी था जहां से आपने पास किया है। फिर आपको नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे खुल के आ जाएगा, आप जो है वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम चूज करेंगे। रोल नंबर लिखेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज बताएंगे, तो CGPA नहीं काम करेगा, और अगर CGPA बताएंगे तो आपका परसेंटेज वाला काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है बतानी है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्या आप जो है अपना इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल कराना चाहते हैं एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, यस नो में आप बता सकते हैं, तो यहाँ पे नो कर देंगे या यस कर देंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको नीचे आनी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जो है अपना फोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो फोटोग्राफ का सबसे पहले हम गाइडलाइंस को आपको बताते हैं। तो गाइडलाइंस आप पेज नंबर 50 पे आएंगे, जब इसका इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। देखिए ये जो है एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, देख रहे हैं ना यहाँ पे किस तरह से फोटोग्राफ जो है खींच के लगाया गया है, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, टोपी ब्लर इस तरह देख रहे हैं ना, उल्टा इस तरह से चश्मा लगा के, तो इस तरह के फोटो आपको एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। यानी फोटो के नीचे डेट मेंशन नहीं करना है कि कब आपने फोटो खिंचवाया है, ये चीज यहाँ पे देख सकते हैं बताई गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो को अपलोड करेंगे, लेकिन एक चीज और आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है कि आपका फोटो जो है 17 जून 2022 के बाद का खींचा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन या आफ्टर 17 जून 2022, तो आपको यहाँ पे यस करना है कि हाँ मेरा फोटोग्राफ जो है 17 जून 2022 के बाद या उस दिन खींचा गया है फोटो। उसके पहले अगर आप नो करते हैं तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, इस चीज का आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देनी है। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, आपको देखिए सिग्नेचर 10 से 20 के बीच होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे जो है ये एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को भरेंगे और प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका प्रीव्यू शो हो जाता है कि आपने जो भी जानकारी फिल किया है वो अच्छे से मिलाएंगे, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, कुछ भी अगर गलत लग रहा है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई एडिट का देखिए ऑप्शन मिल रहा है, आप एडिट करेंगे, अगर नहीं गलत है सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपसे श्योर कराएगा कि आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं, फाइनल सबमिट करने के बाद आपको ओके करना है।
ओके करते ही आपका फॉर्म जो है रिसीव्ड यहाँ पे दिखा दिया, आपका फॉर्म जो है रिसीव्ड हो चुका है। आपको प्रिंट करना है, प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा और आप जो है इसका हार्ड कॉपी रख लेंगे। अगर आप जनरल ओबीसी से आएंगे तो यहीं पे पूछेगा कि प्रोसेस फॉर पेमेंट, तो आपको जो है पेमेंट गेटवे पे जाएगा और 100 रुपये का एप्लीकेशन फी जमा करना होगा, फिर आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा। अगर आप मान लीजिए पैसा जमा कर रहे हैं और आपका जो है पैसा कट गया और फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पे क्लिक करके उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट का स्टेटस यहाँ पे देखिए यू आर एक्सेप्शन, मतलब अगर जो भी फीमेल भरेंगी फॉर्म या SC ST भरेंगे या विकलांग भरेंगे तो उनको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस एक्सेप्शन दिखाएगा। अगर आप जनरल ओबीसी आएंगे तो आपका दिखाएगा आपका पेमेंट जमा हुआ कि नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि अभी जो आपने फॉर्म भरा है यहाँ पे देखिए उसका जो है स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म एक्सेप्शन यहाँ पे है तो एक्सेप्शन यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड दिखाएगा। अगर आपका फॉर्म रिसीव्ड नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिखेगा एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको देख लेना एक बार स्टेटस लास्ट में फॉर्म भरने के बाद, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है SSC CGL 2022 का फॉर्म को अप्लाई करना है। कोई भी मन में डाउट्स है, कमेंट है, रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कत है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, नया अगर फ्रेश कैंडिडेट्स है तो कैसे करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए वैकेंसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डियर्स हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।